नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। अगर आप कोई भी स्किन केयर के एंथुसियास्ट को फॉलो करते हो, रिव्यूअर को फॉलो करते हो, कोई डर्मैट को फॉलो करते हो, कोई भी स्किन केयर से रिलेटेड पेज को फॉलो करते हो ना, सबसे ज्यादा जो लोग एडवाइस देते हैं इज सन प्रोटेक्शन। मतलब सब कुछ मिस आउट कर दो, लेकिन SPF कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही सबसे बेस्ट एक एंटी एजिंग स्टेप होता है, जो आपको फाइन लाइंस, रिंकल से बचाता है, आपके एक्ने स्कारिंग होने से बचाता है, आपके एक्ने को भी कम होने में हेल्प करता है। बिकॉज कहीं ना कहीं सन बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। और अगर आप एक्ने प्रोडक्ट्स भी यूज करते हो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू अ नाइस प्री सन केयर प्रोटेक्शन रूटीन एज वेल एज पोस्ट सन केयर प्रोटेक्शन रूटीन एज वेल। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फेशियल सनस्क्रीन रिकमेंडेशन। सो चेहरे पर जब भी सनस्क्रीन लगाने की बात आती है, सबसे ज्यादा जो लोगों का कंसर्न होता है, इश्यू होता है, वो होता है व्हाइट कास्ट का, कि हमने 2-3 फिंगर रूल के हिसाब से सनस्क्रीन लगाई, चेहरा एकदम व्हाइट हो गया, थोड़ी देर बाद पसीना आना शुरू होता है, बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, आपके हेयरलाइन आईब्रो के पास वो जो व्हाइट कलर होता है कलेक्ट हो जाता है, वो मतलब ऐसा होता है कि डैंड्रफ जैसा फील होता है। सो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप एक टिंटेड सनस्क्रीन लो, जो सॉर्ट ऑफ आपके इंडियन जो स्किन टोन होती है ना, उसमें मर्ज हो जाए और एकदम घोस जैसी फील ना दे। सो उसका सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है ये लैक्मे की सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन, ये लैक्मे सन एक्सपर्ट टिंटेड सनस्क्रीन। नेचुरल टोन अल्ट्रा मैटी अपने आपको क्लेम करती है, इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस फॉर ऑल स्किन टाइप। इफ आई टॉक अबाउट द SPF ऑफ दिस वन, इसमें SPF 50 विद PA++ प्रोटेक्शन, विच इज रियली गुड। ये क्लेम करती है इट ब्लॉक्स अप टू 97% ऑफ UVB रेज, जो कॉज करती है बेसिकली सनबर्न एंड ऑल कॉज करती है, और UVA प्रोटेक्शन भी देती है, जो प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल से आपको बचाती है। सो ओवरऑल ये आपको टैन होने से भी काफी अच्छे से बचाएगी। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं 2 फिंगर रूल के हिसाब से इसको लगा रही हूँ और काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो रही है। इंग्रीडियंट्स की अगर बात की जाए, इसके अंदर कुकम्बर है जो कूल डाउन करता है स्किन को, काफी एक अच्छा टोन और हाइड्रेटेड रखता है। देन इसके अंदर लेमन ग्रास है जो हेल्प करता है ऑयल लेवल को बैलेंस आउट करता है, ज्यादा ग्रीसी नहीं बनाता ओवर द टाइम आपकी स्किन को। वाइटमिन B3 है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियासिनमाइड, यू गाइस नो माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथन करता है स्किन के बैरियर को। एंड एट लास्ट जिंक ऑक्साइड, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग, ये आपको प्रोवाइड करता है UVA प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द हार्मफुल एजिंग वाली रेज, तो कहीं ना कहीं आपको प्री मेच्योर एजिंग से भी बचाता है। एंड यू कैन सी द फाइनल लाइक पोस्ट एप्लीकेशन थिंग ऑन माई फेस, हल्का सा एक बहुत अच्छा ड्यूइनेस आई है स्किन के ऊपर, विच इज नॉट ऑयल और ग्रीस, बट इसके एक बहुत अच्छी फील आती है, जो नरिशमेंट जैसा फील होता है, इट ऑलमोस्ट फील लाइक अ स्किन मॉइस्चराइजर, ड्राई नहीं फील होता, सूखा सूखा नहीं फील होता। एंड द बेस्ट थिंग जो इस टिंटेड सनस्क्रीन की है कि व्हाइट कास्ट वाला इशू नहीं आता। सो ओवरऑल दिस इज रियली नाइस। इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट, इट इज लाइक अ स्टील डील, बिकॉज 549 की है फॉर 100 ml, लेकिन ऑनलाइन मैंने हमेशा देखा है ये 549 लाइक 499 से कम पे भी आपको मिल जाती है। सो ₹499 दिस इज अ गुड सनस्क्रीन विद अ रियली डिसेंट क्वांटिटी। अगर आप डेली वेयर वाला मेकअप करना चाहते हो ना, तो आपकी सनस्क्रीन लगा लो, हल्का फुल्का कंसीलर लगा लो और कॉम्पैक्ट लगा लो, एंड यू आर गुड टू गो। इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट, आई हैव अनदर वेरिएंट फ्रॉम लैक्मे, ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40 का कॉम्पैक्ट विद UVA UVB प्रोटेक्शन PA++ आपको मिलता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी इंजीनियरिंग के, जब ये लॉन्च हुआ था, मैंने उस टाइम ये फर्स्ट टाइम केमिस्ट पर जाके कहीं ऑफलाइन लिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक SPF प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। कॉलेज जाते थे, धूप बहुत ज्यादा होती थी, और मैं उस टाइम काफी कॉन्शियस थी कि टैन नहीं होना, ऐसा नहीं होना, तो मैं हमेशा ऐसे टचअप या फिर सनस्क्रीन भी अच्छी लगाती थी। सो मैंने फर्स्ट टाइम ये तब लिया था, और उसके बाद मैं आई थिंक इसको लेना भूल गई, और मैंने बीच में ट्रिप पर ना एक पाउडर लिया था, लूज पाउडर सन प्रोटेक्शन का, वो मैंने आपको बताया था काफी मेसअप हो गया था, यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने आपसे पूछा था वीडियो में कि प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट करो जो इजी टू टचअप हो, और मैक्सिमम लोगों ने उस वीडियो में यही मुझे सजेस्ट किया था लैक्मे का। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैं यूज करती थी यार, तब मैं भूल गई। सो ये लैक्मे का सन प्रोटेक्शन का कॉम्पैक्ट है, ये भी अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट है, इसका नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन वाली फील है। सो दिस ऑल लुक्स लाइक काफी अच्छी स्टर्डी पैकेजिंग में आता है, यू गेट अ फुल साइज मिरर एज वेल एंड अ स्पंज, और ये मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। ये मैं कशिका ज्ञान देती हूँ, अगर आपको एक्ने इश्यूज है ना, आई वुड से इसको संभाल कर रखो, बिकॉज जो एक्ने वाले स्किन वाले होते हैं, जिनको फंगल एक्ने हो सकता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इसको यूज करो ना, जस्ट कीप इट हेयर, ऐसे फिंगर में मैं ऐसे स्टक कर लेती हूँ, ऐसे टचअप करती हूँ, और फिर वापस इसको लगा के फिर स्पंज को रखती हूँ, सो दैट जो स्पंज और कॉम्पैक्ट का जो बेसिकली टच है ना, वो ना हो, बीच में एक बैरियर सा बना रहता है। बट इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, लेट मी जस्ट शो यू रियल टाइम, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा थोड़ा स्वेट आना शुरू हो गया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड
you just have to dab it like so and you get a very nice brightening effect. Like look at this, aapko ye under eyes kitni brighten up lag rahi ho, yahan pe ek line aapko dikh rahi hogi. So ye kafi acche se aapke jo under eye dark circles hote hain, thode bahut dark dark spots hote hain, usko bhi hide up kar deta hai. Apart from all the SPF UVA UVB PA wali protection, iske andar iron oxide ke pigments bhi hain jo basically aapko bachate hain from blue light rays. So agar aapko nahi pata, jo laptop TV computer basically jo bhi screen time hota hai usme se blue light emit out होती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ नहीं होती स्किन के लिए भी, वो भी आपको थोड़े बहुत स्किन इश्यूज दे सकती है. सो आपको उससे भी प्रोटेक्शन देती है. ऑल्सो इट हैज विटामिन ई व्हिच इज नोन टू बूस्ट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ओवरऑल दिस इज ग्रेट. आई थिंक टचअप करने के लिए तो ये बैग में होना जरूरी है. कॉम्पैक्ट भी है, छोटा है, कभी भी आप यूज कर सकते हो और इससे आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा. काफी बार जब सनस्क्रीन कोई टचअप करते हो तो मेकअप खराब होने का चांस होता है, बट इससे नहीं होने वाला. इनफैक्ट ये आपकी स्किन को और अच्छे से मैट रखेगा. अगर सनस्क्रीन लगाने के थोड़े टाइम बाद आपको स्वेटिंग होती है ना, तो यू कैन डेफिनेटली टच अप विद दिस वन. नेक्स्ट अप आई हैव अनदर वेरिएंट फ्रॉम लैक्मे व्हिच इज नॉट टिंटेड. अगर आपको बिल्कुल भी टिंटेड सनस्क्रीन नहीं पसंद या फिर आपको टिंटेड से भी इशू है, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो. ये बेसिकली लोशन है, ये लैक्मे सन एक्सपर्ट का अल्ट्रा मैट लोशन. दिस इज लाइट नॉन स्टिकी. अगेन एसपीएफ इसमें 50 है, यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन है, पीए ट्रिपल प्लस की आपको प्रोटेक्शन मिलती है. अगेन ये 97% यूवीबी रेज को ब्लॉक करता है. सो लोशन है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली है, मतलब उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एक पतली कंसिस्टेंसी का है, तो काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. मैं पर्सनली इसको आजकल हैंड्स पर ज्यादा यूज कर रही हूँ, बिकॉज लोशन है ना तो हैंड्स पर स्प्रेड होना काफी इजी रहता है. अगर जो थिक सनस्क्रीन वैसे यूज कर लो ना हाथों में, तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है. एंड अगर आप धूप में जा रहे हो ना, आई वुड से एसपीएफ 50 आपके हैंड्स को भी चाहिए. इनफैक्ट मेरे हाथ जल्दी टैन होते हैं एज कम्पेयर टू माई फेस, बिकॉज फेस पर तो मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, मेकअप लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, लेकिन हैंड्स बेचारे रह जाते हैं. तो इसलिए मैं एसपीएफ 50 प्रेफर करती हूँ अपने हाथों के लिए. सो दिस इज ऑल्सो गुड अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में कुछ बॉडी के लिए भी देख रहे हो जिसका एसपीएफ अच्छा खासा हाई हो, लाइक आप ट्रिप पे जा रहे हो, माउंटेन बीचेस पर जा रहे हो, तो दिस इज रियली नाइस. एंड सिंस ये लाइट है, नॉन स्टिकी है, तो हाथों पर ऐसा चिपचिप फील नहीं होता. काफी बार जब आप थिक सनस्क्रीन लगा लेते हो ना, वो यहाँ पर कपड़ों पर ट्रांसफर हो जाती है, जब पसीना आता है या टच होकर बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो जाती है. इसके साथ वो इशू नहीं होता. मैंने भरी गर्मी में भी इसको अपनी बॉडी पर लगाया हुआ है, बिल्कुल भी कोई ग्रीसीनेस का चांस नहीं है, विच आई पर्सनली लव. टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, अगेन इसके अंदर भी वही सेम इंग्रेडिएंट्स है, लाइक कुकम्बर, लेमन ग्रास, विटामिन B3, नियासिनमाइड, जो एकदम परफेक्ट है आपकी बॉडी की स्किन के लिए भी. एंड द एमआरपी ऑफ दिस वन इज 525, विच इज स्लाइटली लेस देन द टिंटेड वन, बट अगेन आपको और डिस्काउंट करके 499 से कम पे मिल जाता है फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज ग्रेट. अगर आप फेस पर भी लगाना चाहते हो, आप इसको फेस पर भी लगा सकते हो एंड बॉडी एज वेल. सो अगर आप किसी गाय के लिए भी सनस्क्रीन देख रहे हो ना, बिकॉज मैन डोंट हैव 10 प्रोडक्ट्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सो सबसे बेस्ट है यही गिफ्ट कर दो, या फेस बॉडी कहीं पर भी लगा सकते हो. एंड अगेन इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एज वेल. एक मैट फिनिश भी देती है, बट एट द सेम टाइम एक नरिशमेंट भी फील होती है. सो हमने सन प्रोटेक्शन की तो बात कर ली कि बाहर जाओ तो उससे पहले आप क्या लगा सकते हो, लेकिन वापस आने के बाद जो स्किन की हालत होती है ना, टैनिंग बहुत लोगों को हो जाती है, पोर्स इतने ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, काफी बार स्किन ऐसे कंजेशन बहुत ज्यादा फील होता है. तो आई वुड से एक पोस्ट सन के रिजीम होना ही बहुत जरूरी है. एंड लैक्मे हैज समथिंग फॉर दैट एज वेल. सबसे बड़ा जो इशू होता है हमारा सन से, वो होता है टैनिंग की. यार बहुत ज्यादा टैन हो गया, छुट्टियों पर गए, बीच पर गए, माउंटेन पर गए, अजीब सी टैनिंग हो जाती है. सो उसके लिए है लैक्मे का सन एक्सपर्ट जेंटल एक्सफोलिएशन डी टैन स्क्रब विद ओटमील एक्सट्रैक्ट. सो जब मुझे रिसीव हुआ था ना, आई बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट श्योर, बिकॉज मैं स्क्रब्स अपने फेस पर नहीं यूज करती. मुझे ये लगता है सारे स्क्रब्स हार्श होंगे, बहुत ज्यादा चंकी पार्टिकल्स होंगे, बट जब मैंने इसको स्वॉच किया, आई वॉज इम्प्रेस्ड. इसके बहुत टाइनी और माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, मतलब अब अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं इसको स्वॉच करके दिखाने वाली हूँ, कितने छोटे इसके पार्टिकल्स हैं, स्क्रीन पर इतने दिख भी नहीं रहे. इसके अंदर ओटमील है जो रिमूव करता है क्लॉग्ड डर्ट एंड जो भी ऑयलीनेस होती है स्किन पर, और वॉलनट शेल का पाउडर है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है. सो बेसिकली इसका ओवरऑल पर्पज यही होता है, जो भी क्लॉगिंग है, जो ऑयलीनेस है, डर्ट है, उसको हटाना, एट द सेम टाइम टैनिंग को रिमूव करना. तो टैनिंग की अगर बात की जाए, ये टैनिंग के लिए कैसे काम करता है, बिकॉज ये डुअल पर्पज प्रोडक्ट है, आप इसको एज अ स्क्रब एंड मास्क बोथ वेज में यूज कर सकते हो. आप इसको सबसे पहले अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लो, थोड़ी देर रखो, 10-15 जितने मिनट्स के लिए रखना है, एंड देन स्टार्ट मसाजिंग इट इनटू योर स्किन. जो भी टैनिंग होती है उसको हटाने में हेल्प करता है. अगर आप डी टैन भी कराने जाओगे ना किसी अच्छे सैलून में, वो हमेशा यही करते हैं, वो कुछ ना कुछ पैक लगाते हैं और उसको मसाज देते हैं, बिकॉज मसाजिंग मोशन से जो आपको ऊपर की जो टैनिंग की लेयर है ना, वो कहीं ना कहीं हटनी शुरू होती है. सो अगर आपको बिल्कुल भी एक्ने के इश्यूज नहीं है, अभी आपको कोई एक्ने के ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है, बहुत ज्यादा सिस्टिक एक्ने के इशू नहीं है, तो आई वुड से आपको अपने फेस पर इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आपको इरिटेट नहीं करेगा, काफी जेंटल एक्सफोलिएटर है ना, तो इतना हार्श फील नहीं होता. टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, दिस फॉर 149 rupees फॉर 50 gram ऑफ प्रोडक्ट, सुपर सुपर अफोर्डेबल. अंडर ₹150 आपको एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आपको टैनिंग को भी रिमूव कर रहा है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट.
वैसे डीटैन स्क्रब तो आप कभी भी यूज कर सकते हो जो आपको टैनिंग हटानी हो, लेकिन अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए कि आप घर आए आपकी स्किन एकदम जल रही है, सनबर्न हो गई है, बहुत ज्यादा सनबर्न की वजह से इचिनेस हो रही है, रेड रेड हो गई है, तो उसका सबसे बेस्ट जो क्विक फिक्स सोल्यूशन है वो है ये जेल, ये लैक्मे सन एक्सपर्ट का आफ्टर सन जेल। इट्स सूद योर सन एक्सपोज स्किन। इसका काम ही होता है अल्ट्रा सूदिंग, एकदम फील कराना आपकी स्किन को। सो बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे लाइक अ प्रॉपर जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन, एकदम पानी जैसा फील होता है। आई वुड से इसको फ्रिज में रखो आप जब इसको फ्रिज में रखोगे ना, ठंडा ठंडा लगाओगे आपके स्किन पे, बहुत एक अच्छा कूलिंग सेंसेशन जैसी फील होगी। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे जेल बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अंदर भी आपको कुकम्बर एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं जो कूल डाउन करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, एंड इसके अंदर लेमन ग्रास भी है जो ऑयल लेवल को बैलेंस आउट करता है। और इसमें जो खुशबू आती है ना वो या थोड़ी सी वो लेमन ग्रास और जो सिट्रसी खुशबू आती है ना वैसी आती है। फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, आई एम क्लियरिंग इट आउट, अगर नहीं सूट करती तो स्किप कर सकते हो, बट सूट करती है तो परफेक्ट है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ऐसे जेल बेस्ड प्रोडक्ट अच्छे हैं बिकॉज स्किन को ज्यादा ग्रीसी फीलिंग कराते हैं, और घर पे आने के एकदम क्विक फिक्स जो सोल्यूशन होता है ना फेस वॉश करने के बाद, तो ये डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन द लैक्मे सन एक्सपर्ट रेंज। डू लेट मी नो आपने प्रोडक्ट्स ट्राई करें या फिर नहीं ट्राई करें। आई थिंक दीज आर परफेक्ट फॉर प्री एंड पोस्ट सन केयर रूटीन। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना। इसके अलावा कोई और डाउट है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ऑलवेज रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स। यहाँ पर क्वेरीज आती है वहाँ पर तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। अगर कोई तारीफ वगैरह कर रहा हो तो हार्ड कर देती हूँ, बट अगर अपना ओपिनियन भी आप शेयर करना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग वो भी आप शेयर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। यू आर ऑलवेज वेलकम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर, फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एंड शॉर्ट रिव्यूज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।